कपड़ा से हम ब्लाउज कटिंग करके बताती हूँ। ये रहा कपड़ा, इसको इस तरह से खोल लेंगे, इसको इसको इस तरह से कर लेना है। अपना नाप लेकर इसको चार लेयर में कर लेना है, एक दो और ये तीन, ये चार हो गया। दोनों पल्ला एक साथ कटिंग कर रहे हैं। ब्लाउज का मेरा लंबाई है 14 इंच, फिटिंग लंबाई 14 इंच है। इसको हम एक इंच बढ़ा के लेंगे, 15 साढ़े 15 इंच लेंगे पीछे का, अब आगे का 16 साढ़े 16 इंच। पीछे से आगे का पल्ला 1/2 इंच बड़ा रहता है। और यहाँ गला कटिंग करेंगे, अपना नाप ले लेना है, उसके बाद चार लेयर कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे कटिंग करना है। यहाँ गला लेंगे 2.25 इंच, यहाँ से ही पूरा 6 इंच रहेगा, 5.5 इंच का ही रहेगा, और 1/2 इंच सिलाई के लिए। यहाँ से आगे का गला 6.5 इंच, 6.5 इंच काटेंगे। पीछे का गला यहीं से नाप लेंगे 10 इंच, पीछे का गला यहाँ से 10 इंच काटेंगे। यहाँ से 2.25 इंच काटेंगे, नीचे का गला 1/2 इंच काटेंगे। इसको यहाँ से पीछे का सोजा कर देना। अब यहाँ से पूरा 6 इंच है, यहाँ से 2.25 इंच पे गला है, आगे का गला 6.5, पीछे का 10। अब यहाँ से इसको कटिंग करेंगे 7 इंच पे, इसको कटिंग करेंगे 7 इंच पे। अब यहाँ से इसका मेरा ब्लाउज का है 38 इंच सीना, तो 9.5 इंच इसका सीना ही ले लेंगे, और 1.5 इंच ये मार्जिन रहेगा। ये मेरा फिटिंग लाइन हो गया, ये मेरा मार्जिन हो गया। अब यहाँ से इसको पीछे का पल्ला में 1.5 इंच का ही रखना है, और आगे का पल्ला में 1 इंच का लेना है, पीछे का 1.5 इंच और आगे का 1 इंच। अब यहाँ से 7 इंच लिए हैं, इसका 1/2 कर देंगे तो 4.25 इंच पर हो जाएगा, 4.25 इंच। अब यहाँ से इसको गुलाई दे देंगे इस तरह से इसको गुलाई दे देंगे। इस तरह से इसको गुलाई दे देंगे। नीचे का है 32 इंच, 32 का चौथा भाग 8 इंच होगा, 1 इंच लेंगे छून देने के लिए, फिर मार्जिन हो गया। अब इसको यहाँ मिला देना है, इसको यहाँ मिला देना है, यहाँ यहाँ से यहाँ रह गया। देखिए यहाँ से ये मेरा ये 32 इंच का ब्लाउज है, 1 इंच ये लिए हैं चून के लिए, आई मार्किंग। अब यहाँ से 1/2 इंच गुलाई देते हुए, यहाँ से 1/2 इंच गुलाई देते हुए इसका कटिंग कर देंगे पीछे का,
हाफ इंच गोलाई देते हुए इसका कटिंग भी इस तरह कर देंगे। पहले आगे का काट कर निकाल लेंगे, उसके बाद पीछे का। यहाँ से ही हाफ इंच का नीचे की तरफ कम कर देना, यहाँ से हाफ इंच नीचे की तरफ कम कर देना, गला से बाही की तरफ हाफ इंच कम करते हुए इस पर कटिंग करना है। और आगे का ही यहीं से इस तरह गोलाई दे देना है। यहाँ से आगे से यहाँ से गोलाई दे देना है, बस इसी तरह कटिंग कर लेना है। और नीचे का आधा इंच बढ़ा के लेना है आगे का पल्ला, पीछे का ही आधा इंच कम रखने का। अपना लंबाई नाप लीजिएगा, उसके बाद ये आधा, इससे आधा इंच आगे वाला बढ़ा कर लेना है। इसी पे कटिंग कर देंगे। इसी तरह से यहाँ से इसको ही काट कर निकाल लिए। अब यहाँ से इसका गलाई कटिंग कर लेंगे। पहले आगे का काट कर हटा देना है, उसके बाद पीछे का काटना है, नहीं तो बड़ा हो जाएगा गला, खराब हो जाएगा ब्लाउज। इसका ध्यान रखना है। आइए हाफ इंच नीचे की ओर से दबाते हुए इसका कटिंग कर देना। इस तरीका से पहले पीछे का ये करते हुए कटिंग कर लेना है, फिर इसका, फिर यहाँ से इसको आगे का पल्ला हटा देना है। ये हो गया आगे का पल्ला। अरे पीछे का फिर से इसी तरह रख लेना है। पीछे का फिर इसी तरह रख लेना है। यहाँ से इसका गला काट लेना है। यहाँ से इस तरह गला काट लेना है, इसको गोल करते हुए। पीछे का गला हो गया 10 इंच का, ये पीछे का गला हो गया। अब यहाँ पे चून डलेगा। यहाँ ये बीच वाला देखिएगा, बीच वाला से 4 इंची इधर, बीच वाला से 4 इंची इधर, 4 इंची इधर। यहाँ बीच वाला पहले इसको बीच वाला से देख लेना है। बीच वाला से 4 इंची इधर, 4 इंची इधर, हाफ इंची की मार्किंग लेते हुए यहाँ से ये चून डल जाएगा। एक ए चून और एक ए चून, बीच से 4 इंची इधर की ओर इस तरीका से यहाँ चून डलेगा। चून डलेगा आधा इंच यहाँ, आधा इंच यहाँ दबाते हुए देखो चून डल जाएगा। पीछे का पल्ला ही तैयार हो गया। अब ये आगे के पल्ला यहाँ खोल देना है। ये आगे का पल्ला, आगे का पल्ला में इसको इस तरीका से करके यहाँ चून लगा लेना है। यहाँ से 1.5 इंची नीचे की ओर, यहाँ से 1.5 इंच नीचे डालेंगे, फिर यहाँ से 1.5 इंच इधर डालना है, फिर यहाँ से 1.5 इंच
यहाँ से 2 इंची का मार्जिन लेते हुए यहाँ से इसकी दूरी 2 इंच रहेगा, यहाँ से इसकी दूरी 2 इंच रहेगा, यहाँ से इसकी दूरी 2 इंच रहेगा। इस तरह से कर लेना, सेम इसी तरह उधर भी लगाना है। इसको इस तरीका से खोल के इधर की ओर इस तरह कर दीजिएगा। इधर से खोल के इस तरीका से कर देना है। देखिए ये चून डल गया, इस तरीका में इधर भी लगा लेना है। बस इधर 1/2 इंच की, इसमें 1/2 इंच की नहीं रहेगी, इसमें 1-2 पॉइंट दाबते हुए इधर 1/2 इंच, आई 1/2 इंच, आई 1/2 इंच लेते हुए ज़्यादा चून डाल देना है। हम बाजू की कटिंग करेंगे। इधर कपड़ा बच गया है, इसी से बाजू की कटिंग करेंगे। इस कपड़ा को 4 लेयर कर लेना है। इस कपड़ा को इस तरह 4 तह में सरिया लेना है, इस तरह से रख लेना है। देखिए 1-2 ही हुआ और 2 ही, 4 लेयर हो गया। इसका बाजू कटिंग करेंगे। लंबाई देख लीजिएगा आप यहाँ कितना है। ब्लाउज की लंबाई, बाजू की लंबाई 6 इंच देंगे, 6 साढ़े 6 इंच देंगे। एक इंची तुरपाई में जाएगा और 1/2 इंच इधर सियाने में जाएगा। तो यहाँ से 5 इंची ब्लाउज का, 1 इंच इधर ही हो गया तुरपाई में जाएगा और 1/2 इंच इधर सिलाई में। यहाँ से इसको इस तरह रखना है, 6.5 इंच मेरा नाप है, 6.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन, 6.5, 7.5, 8 इंच। इसको 8 इंच, 1.5 इंच इधर मार्जिन ले लेना है। यहाँ से इसका 6.5 रखे हैं, यहाँ से 6.5 पर निशान लगा लेना है। यहाँ से इसका 2.5 इंच कम कर लेना है, इसका 2.5 इंच कम कर लेना है, यहाँ से इसकी दूरी 2.5 इंच कम कर लेना है। इस तरह निशान लगा लेना है। हम बाजू काटे थे 7 इंच, तो यहाँ हम कपड़ा लेंगे 7.5 इंच, 1/2 इंच बढ़ा के लेना। ब्लाउज का बाजू काटे थे 6.5, 7, तो यहाँ 7.5 लेना है। 7.5 पर निशान लगा लिए, 1.5 इंच मार्जिन। अब इसको इस तरह मिला देना, इसको इस तरीका से मिलाते हुए कटिंग कर लेना है। यहाँ से इसको ये फिटिंग लाइन हो गया, यहाँ ये मार्किंग लाइन हो गया। बहुत ही आसान तरीका से कट जाएगा। इसमें अपना नाप ले लीजिएगा बढ़िया से, उसके बाद कटिंग करिएगा। यहाँ ही लगा देंगे, यहाँ इसका
हाफ इंच इधर तुरपाई में जाएगा, 1 इंच, आधा इंच इधर सिलाई में, बाकी बाजू हो गया तैयार। 5 इंच का ही फिटिंग बाजू आएगा। ये हो गया गला पट्टी से, गला पट्टी से तिरछा करके इस तरीका से गला पट्टी निकाल लेना है। इस तरीका से तिरछा देते हुए 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह के इस तरीका से निकाल लेना है। और फिर ये गला का पट्टी हो जाएगा इससे, और ये पतम पट्टी हो जाए। यहाँ एक पट्टी 3 इंच का निकालना है और एक पट्टी 2 इंच का निकालना है। इसी से तो कटिंग पूरी हो गई।